दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर एक नई अपडेट निकल के आ रही है। नई अपडेट के अनुसार अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और निबंधन विभाग की जिस पोर्टल के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री हेतु आवेदन करते हैं, इन दोनों पोर्टल के आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री होगी, उसके बाद उस जमीन का स्वतः ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के अधिकतम 10 से 15 दिनों के अंतराल में भूमि धारक की जमीन की स्वतः यानी कि अपने आप दाखिल खारिज हो जाएगा। तो इसको लेकर एक नई अपडेट निकल के आ रही है। आगे इस वीडियो में आपको इस नई अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ नए अपडेट हैं, किस तरह से ये प्रक्रिया वर्क करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये पेपर कटिंग है, इसी पेपर कटिंग के माध्यम से बिहार में स्वतः दाखिल खारिज की जो नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, इसको लेकर आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया कि निबंधन और राजस्व विभाग की वेबसाइट को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। निबंधन विभाग की जो वेबसाइट है उनको और राजस्व विभाग की जो वेबसाइट है उनको आपस में कनेक्ट यानी कि जोड़ने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दिया गया। यहाँ पे देखिए बताया गया कि तैयारी जमीन निबंधन के साथ ही होगी जमाबंदी। जैसे आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री अर्थात निबंधन करवाएंगे, साथ ही जमाबंदी हेतु आवेदन भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है कि निबंधन होने पर स्वतः हो जाएगा जमाबंदी का आवेदन। अब यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज को लेकर जानकारी दिया गया। यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए, यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि 7 से 10 दिन में दाखिल खारिज भी पूरी। जिस दिन से आप निबंधन करवाएंगे उस तिथि से लेकर अधिकतम 7 से 10 दिनों के अंदर में आपकी जमीन की दाखिल खारिज भी हो जाएगा। 6,15,000 आवेदन लंबित है दाखिल खारिज के, अभी भी 6,15,000 आवेदन दाखिल खारिज के लंबित है। अब जानिए कि स्वतः दाखिल खारिज की जो नई व्यवस्था लागू हो जाएंगे तो इससे लोगों को क्या राहत मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर भी जानकारी दिया गया कि परेशानी से मिलेगी राहत। वर्तमान में जमीन का दाखिल खारिज कराना सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए किए जाने वाले अधिकांश आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दिया जाता है। इसे फिर से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय चक्कर लगाना पड़ता है। बिचौलिए इस काम के लिए लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। वर्तमान में सभी अंचलों में दाखिल खारिज 6,15,000 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए बताया गया कि वर्तमान में सभी अंचलों में 6,15,000 से भी अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। अब आप थोड़ा विस्तार से समझिए कि ये जो नई व्यवस्था लागू होने जा रही है इससे भूमि धारकों को क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि राज्य में जल्द जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। नई व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही दाखिल खारिज के लिए स्वतः आवेदन हो जाएगा। इससे 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर ही दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि जब जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे तो स्वतः आपकी दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो जाएगा और ये जो सो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ही आपकी जमीन की दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे जानकारी दिया गया कि इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को आपस में जोड़ने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इस नई प्रणाली के पहले चरण का जो प्रशिक्षण है वो संपन्न हो गया है, लेकिन अभी इसमें कई स्तर में बदलाव होना है। इसके बाद ही वेबसाइट को अंतिम रूप से शुरू किया जाएगा यानी कि अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। अभी इसमें कुछ कई ऐसे ऑप्शन हैं जिनको बदलाव किया जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों के आगे जानकारी यहाँ पे दिया गया है साफ साफ कि इसमें कुछ महीने लगने की जो संभावना है, अभी इसमें कुछ महीने की जो संभावना है कि अभी इसको पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि जमाबंदी कायम होने के 15 दिनों के अंदर किसी मामले का शिकायत आती है तो उस मामले की जो सुनवाई है वो राजस्व विभाग में की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। मान लीजिए कोई आपत्ति नहीं आते तो उस जमीन का जो यहाँ पे दाखिल खारिज स्वतः कर दिया जाएगा यानी कि निराकरण कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आगे जानकारी दी गई है कि दोनों विभाग की वेबसाइट आपस में जुड़ने से जिस भी जमीन का निबंधन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा। तो साफ साफ बताया गया कि दोनों वेबसाइट को आपस में जैसे जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो भी जमीन की निबंधन होगा
उसका जो सो पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा। इससे यहाँ दोबारा आवेदन करने का चक्कर नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि दोबारा आवेदन करने का जो चक्कर होगा वो नहीं होगा। पूरा रिकॉर्ड स्थानांतरित होने के बाद यह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड की मदद से दाखिल कार्य की कवायद शुरू हो जाएगी। अगर किसी जमीन में विवाद हो तो उसका निबंधन ही नहीं होगा। अगर कोई जमीन में विवाद होगा तो उस जमीन का निबंधन ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर गलत तरीके से निबंधन भी हो गया तो इस जमीन का दाखिल खारिज ही नहीं होगा। तो दोस्तों बिहार में अब जो सो दाखिल खारिज की एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे क्या होगा कि जैसे आप जमीन की निबंधन अर्थात रजिस्ट्री करवाएंगे तो स्वतः आपकी जमीन की दाखिल खारिज हेतु आवेदन हो जाएगा। और जैसे आवेदन हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो जानकारी दी गई इस अनुसार मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर ही आपकी जमीन की स्वतः यानी कि अपने आप दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।